हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ इतने छोटे बालों में ब्यूटीफुल सा बन बना के दिखाऊंगी जो कि साड़ी पे बेस्ट लगेगा। एंड इससे पहले मैं अपना आईब्रो फिल करके आपको दिखा रही हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए करते वक्त जब आप मेकअप करते हो तो आईब्रो फिल करते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स करते हो एंड किस तरीके से करोगे तो प्रॉपर ब्राइडल लुक आपका आएगा, वो यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप आईब्रो फिल करते हो तो आपको अपने आईब्रोज को अच्छे से इस तरीके से फॉर्म करना होता है। इस टाइप की ब्रश आती है, देखिए ये ब्रश जो है इस टाइप की ब्रश आती है, इससे अपने आईब्रोज को अच्छे से अपर डायरेक्शन में इस तरीके से फॉर्म करना होता है और इसको इस तरीके से कर दो। उसके बाद जो भी आपका आईब्रो आईलाइनर जेल है या फिर आईब्रो पेंसिल है या फिर जो भी आप जिससे भी आईब्रो फिल कर रहे हो उसको लेना है। देन इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक इस तरीके से लगाना है। 1 सेकेंड में मिरर ले लूँ ताकि बताने में दिक्कत ना आए एंड अच्छे से शेप जो है वो हमारा बन पाए। यहाँ पे मैंने शीशा ले लिया है। तो मैं इस वाले मिरर में देखूंगी तो आपको नहीं दिखेगा अच्छे से, तो मैंने मिरर ले लिया है एंड इसमें मैं करके दिखा रही हूँ। अब हमारे त्योहारों वाले सीजन सारे स्टार्ट हो गए हैं तो आपको यहाँ से इनर कॉर्नर से इस तरीके से आईब्रो पेंसिल जेल आईलाइनर जिससे भी आपको अपनी आईब्रो फिल करनी है वो लगाना है। अपर डायरेक्शन में इनर कॉर्नर छोड़ देना है, थोड़ा सा मिडल सेक्शन से आपको आईब्रो का शेप बनाना है। ओके, यहाँ से बराबर मापते हुए दूसरे वाले आईब्रो में भी एग्जैक्ट ऐसे ही लगा लेना है। देन इसको फील कैसे करना है दिखा रही हूँ। अगेन आपको वही ब्रश लेना है जिससे आपने फर्स्ट में यूज किया था, जो ब्रश आपने और इस तरीके से अपर डायरेक्शन में इसको लगाना है। जितना आपने लगाया है प्रोडक्ट उतना इनफ है और लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं कम लगे तो आप दोबारा से यूज कर सकते हो, अगर इतने में हो जाए तो ठीक है। इस तरीके से हमें पेंसिल तो लगा ली बट ये प्रॉपर शेप नहीं आया है, उसके लिए क्या करोगे और पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं है। आपको लेना है ब्रश, इस टाइप की जो आईब्रो फिल करने वाली ब्रश आती है जेल आईलाइनर यूज करने के लिए जो आती है ट्रायंगल में इस तरीके की, इसको लेना है। एंड आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लेंगे या फिर डार्क ब्राउन और अपने आईब्रोज पे आराम आराम से अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर पे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर दोगे तो वो प्रोफेशनल लाइन नहीं लगेगा और अजीब सा दिखता है, इसलिए इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा कम प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो ये वाला आईब्रो हमारा फील हो चुका है। सेकंड आईब्रो के लिए भी हम थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे इस तरीके से ब्लैक आई शेडो और इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे। तो अभी हमारा आईब्रो तो फील हो गया बट ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको लेना है अपना जो भी कंसीलर है, सिस ब्यूटी का कंसीलर है ये और इसको आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा वो कलर करेक्टर यूज कर लेना, तो ये भी मैं दिखा देती हूँ कलर करेक्टर यूज करके एंड बिना कलर करेक्टर के हमारा जो मेकअप होता है उसमें क्या फ़र्क आता है। तो ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर का यहाँ पर कलर करेक्टर लिया है और पहले हम लोग
कलर करेक्टर को अपनी आईज पे पूरा अच्छे से अप्लाई करेंगे। कलर करेक्टर अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका जो मेकअप होता है वो आगे चल के ग्रे नहीं पड़ेगा, जैसे 2 घंटे 3 घंटे के बाद जैसे आप पसीना आए तो ग्रे पड़ जाता है हमारा मेकअप, बट आप कलर करेक्टर यूज़ कर लोगे, सॉरी यहाँ पे विदाउट कलर करेक्टर और यहाँ पे कलर करेक्टर के साथ, तो यहाँ पे मैंने विदाउट कलर करेक्टर कंसीलर को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे मैंने कलर करेक्टर लगाया है, इसके ऊपर से मैं अपना कंसीलर अप्लाई करूँगी। फ़र्क आई होप कि आपको दिख रहा हो, यहाँ पे मेरी डार्क सर्कल वगैरह बिल्कुल अच्छे से हाइड हो गया और यहाँ का जो डार्क सर्कल है वो हमारा ग्रे में दिख रहा है। जब हम इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करेंगे तो ये बाद में हमारा ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक और टिप दे देती हूँ, कई बार हम लोग गलती से विदाउट कलर करेक्टर के ही अपना कंसीलर अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया और ये हमारा एकदम बेस्ट दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको, ये मेरा फेस से एकदम मैच होता हुआ है और यहाँ पर मुझे ग्रे दिख रहा है, ये देखो। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर से ही डायरेक्ट आप थोड़ा सा कलर ट्रैप कर लोगे और अप्लाई कर दोगे। और उसके ऊपर अगेन कंसीलर अप्लाई कर दोगे, आपको पूरा मेकअप साफ करने की ज़रूरत नहीं है, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेम एग्जैक्ट मिल जाएगा जैसे आपने दूसरी साइड में लिया था। अब जो आपका आई बेस है वो मेकअप करने के लिए रेडी हो चुका है, अब थोड़ा सा कलर करेक्टर हम लोग अपनी आईब्रोज के जस्ट ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी आईब्रो का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा सा दिखे दोनों साइड से। अब आपको इसको पाउडर से सेट करना है, पाउडर मीन्स कॉम्पैक्ट पाउडर यानी फेस पाउडर से। तो ये है VLCC का फेस पाउडर, इसमें स्पंज भी दिया होता है, बट मैं ब्रश की मदद से अपने आई मेकअप को सेट करूँगी और आपका जो आई लुक है वो आई मेकअप के लिए रेडी है एंड आईब्रो भी अच्छे से फील हो चुका है एंड नेचुरल लुक आ रहा है। अगर इसके बाद आपको अपना आईब्रो जो है वो काफ़ी डार्क दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली थोड़ा सा ब्राउन शेड लेना है, डार्क ब्राउन, और अपनी आईब्रोज पे अप्लाई कर लेना, जिससे कि जो आपका आईब्रो का लुक है वो नेचुरल आ जाएगा। तो ये था आईब्रो फील करने का सही तरीका, आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टाइल स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरे व्यूवर्स ने डिमांड की थी कि मैम कल मैंने हेयर स्टाइल बताए थे 3 हेयर स्टाइल अपने छोटे बालों में, तो उसके उसी हेयर स्टाइल के ऊपर बताना है मुझे, उसी हेयर स्टाइल के ऊपर एक बन बताना है। तो वो बता रहे थे मेरे दोनों आईब्रो में थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, कि ये वाला हमारा आईब्रो जो है वो थोड़ा पतला दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और अप्लाई कर देती हूँ ताकि इक्वल दिखे, आईब्रो हमारी सेम होनी चाहिए। अब आप भी आईब्रो फील करना तो आपको काफ़ी इजी होगा और प्रोफेशनल तरीके से अपनी आईब्रोज फील कर लोगे। तो आई मेकअप मैं बाद में बताऊंगी, चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो गई है, ये जानकारी देते देते आपको सिंपली लिपस्टिक लगा के आपको हेयर स्टाइल बता देती हूँ। फ्रेंड्स कल जो मैंने हेयर स्टाइल बताया था वो कुछ इस तरीके का था, ध्यान से देखिएगा, सेंटर पार्टीशन करनी है, साड़ी के लिए है ये हेयर स्टाइल, बालों में थोड़ी थोड़ी सी ऑयलिंग है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और हेयर कट काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं तो छोटे बालों में भी आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। ट्विस्टिंग करेंगे एंड इस तरीके से पुल करके यहाँ पे आप क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे। अब
ये थोड़ा सा कम कॉस्टली लग रहा था, तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ इसको यूज करेंगे और एक लिप और लगा देंगे इसी क्लिप्स को क्रॉस करते हुए इस तरीके से। साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है। ट्विस्ट करेंगे आगे इस तरीके से, ट्विस्ट करके इस तरीके से पिन करना है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो पफ है वो बन जाएगा। लेयर्स निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, बस तो क्लिप से सिक्योर कर देंगे। एक क्लिप और लगाएंगे, अब सारे बालों को अच्छे से कॉम करेंगे और एक पोनी बनाएंगे। बीस माह के साथ साड़ी के लिए बेस्ट स्टाइल है। रबर बैंड को लगा लिया है, देन आपको एक बोनट फॉर्म लेना है। इस तरीके से इसको लूज करेंगे थोड़ा सा, नीचे की तरफ लेके जाएंगे सारे हेयर और खींच के टाइटली इस तरीके से कर लेंगे, बोनट बन लेंगे। डोनट बन के ऊपर से हेयर कुछ की शॉर्ट हेयर हमारे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, तो सिंपली इस तरीके से आपको लेना है और डोनट बन को हाइड करते हुए। अगर इस तरीके से आपके बाल काफ़ी शॉर्ट हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपली डोनट बन को इस तरीके से रखोगे यहाँ पे रबर बैंड के जस्ट ऊपर, यू पिन से डोनट बन को पहले सिक्योर कर लीजिए। दूसरा लुपिन लगा के अच्छे से लुपिन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और कुछ सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके आना है इस तरीके से और एक रबर बैंड लगा लेना है इसमें। रबर बैंड आपको पतला वाला यूज करना है क्योंकि हमारे बाल ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से हम ये अगर हम लोग मोटा रबर बैंड लेंगे तो उसको हाइड करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, तो एकदम एंड में यहाँ पे मैं रबर बैंड लगा रही हूँ। तो छोटे वालों में हेयर स्टाइल आप भी बना सकते हो, और इसको कैसे हाइड करोगे इस तरीके से फैलाएंगे इसको, और जो आपका डोनट बन है उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे। जब आपको लगे कि आपका डोनट बन जो है वो हाइड हो रहा है, तो एंड पार्ट का जो एंड पार्ट है रबर बैंड को धीरे धीरे आगे ऊपर घिसते जाएंगे, और एंड पार्ट का जो रबर बैंड है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से पुल करेंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। साड़ी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा और ये इसके लिए रिक्वेस्ट भी आएगी मुझे, जितने भी छोटे लेयर्स कटे हुए हैं उनको इस तरीके से पिन के साथ लेंगे और यू पिन से सिक्योर करते जाएंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि आपका पूरा हेयर ऊपर की तरफ ही आना चाहिए, हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, तो आपको इसको यहीं पे यू पिन के साथ सिक्योर कर देना है। यहाँ पे ख़त्म हुआ तो यहीं पे आपने यू पिन लगाया और उसको लगा दिया, क्योंकि आप ऊपर लाओगे तो ये नहीं बन पाएगा, इसलिए दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है।
और इसको आप गजरे के साथ डेकोरेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा ये रेस्टोरेंट। इतनी छोटे बालों में इतना खूबसूरत सा स्टाइलिश सा बन आपका बन के रेडी होगा। यहाँ पे आप कोई डेकोरेटिव पिन ना वगैरह कुछ भी जो भी चाहो वो लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो हेयरस्टाइल है वो काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश भी थे। आप सोचते होगे मैं क्या ढूंढ रही हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्लावर्स ढूंढ रही थी जो कि बालों को थोड़ा सा अच्छा सा लुक दिखाए, डेकोरेटिंग करके दिखा रही थी थोड़ा सा। यहाँ पे तीन चार रुपीज इस तरीके से फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हो, तो है ना बहुत छोटे बालों में खूबसूरत सा बन आपको बन के मिल गया, जो कि साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा पफ बना दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लुक आ जाएगा आपके बालों में। तो कैसा लगा आपको ये आज का हेयर स्टाइल? और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे मैं एक क्लिप और लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे छोटे छोटे हेयर हेयर जो हैं वो निकल रहे हैं, तो उनको भी अच्छे से रुपये की अलग से कर देंगे। तो इतने छोटे बालों में आप इतना खूबसूरत सा बन बना सकते हो। और ये काजल मैंने जो लगाया था वो मेरा बिल्कुल नहीं फैला है, अगर फैलने वाला काजल रहता है तो वीडियो शूट करते टाइम इतना ज़्यादा गर्मी होता है जिसकी वजह से हमारा काजल फैल जाता है, लेकिन ये नहीं फैलेगा। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर लेना, आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो ऑयलिंग है मेरे बालों में इसको इग्नोर कीजिएगा, हेयर स्टाइल पर ध्यान दीजिएगा एंड ट्राई जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे भी जो मेरा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया था, यहाँ पे भी एक क्लिप लगा लोगे जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग रहे आपका बन और हेयर स्टाइल। अभी छठ पूजा वगैरह आने वाला है तो उसमें भी आप ये ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।